हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केशव फ्रॉम फूडी भैया, और आज स्पिरिचुअल व्लॉग्स का दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे 3 बार हफ्ते में वीडियोस आती हैं, जिसमें से 2 दिन आते हैं फूड व्लॉग्स और 1 दिन आते हैं स्पिरिचुअल व्लॉग्स। तो आज स्पिरिचुअल व्लॉग्स में आपको हम देख रहे हैं, आप हमारे प्यारे से, हम वृंदावन में बैठे हैं जमुना जी के किनारे। आप जमुना जी के दर्शन कर सकते हैं एक बार। ये देखिए, ये हमारी जमुना महारानी, और उधर सूर्यदेव ढल रहे हैं और केशी घाट पे जमुना जी की आरती हो रही है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको हमारे ब्रज वृंदावन के राजा श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल के बारे में बताने वाले हैं। श्री बिहारी जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ, आप में से कई लोगों का ये सवाल है। कईयों ने मुझे बोला था इस पर वीडियो बनाने के लिए, और मैंने देखा है यूट्यूब पे इस पर काफ़ी वीडियोज़ है, बट एक्यूरेटली कोई नहीं बताता है। मतलब लोग कुछ भी बता देते हैं इधर उधर करके। तो आज आपको एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ जो भी प्रचलित कथाएं हैं बिहारी जी के प्राकट्य को लेकर, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। श्री बिहारी जी का नाम लेते हुए बोले, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे। सो गाइज, बिहारी जी का जो प्राकट्य है, बिहारी जी के प्राकट्य के बारे में श्री वृंदावन धाम में निधि वन से और बिहारी जी के मंदिर से 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक जो है वो सबसे ज़्यादा आपको हर किसी के मुंह से सुनने को मिलेगी, और एक जो है वो मतलब थोड़े मेन जो लोकल हो गए, ब्रजवासी हो गए, उनको ज़्यादा पता है। तो पहले आपको बिहारी जी की जो, जिस संप्रदाय में, अगर आपको नहीं पता तो हमारे सनातन धर्म में 4 संप्रदाय होती हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा, वो आपको स्पिरिचुअल व्लॉग्स के दिनों में देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ, 4 संप्रदाय होती हैं, उनमें से निम्बार्काचार्य संप्रदाय में एक परंपरा है, हरिदासी परंपरा, जिसमें हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जो कि स्वयं ललिता सखी, जो कि राधा रानी की प्रथम सखी, जो सबसे बड़ी सखी हैं, सबसे प्रिय सखी हैं राधा रानी की, ललिता सखी, उनके अवतार थे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जिनका जिक्र हमने हमारी लास्ट वीडियो में, जो कि रसिक बिहारी जी से आई थी, उसमें भी आपको बताया था, और उनकी भजन स्थली भी दिखाई थी हमने। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वो ज़रूर जाके देखिए, और रसिक बिहारी जी के दर्शन भी हमने उसमें करवाए हैं। तो हरिदासी परंपरा में स्वामी जी महाराज ने श्री बिहारी जी महाराज को, यानी कि राधा कृष्ण को प्रकट किया है। जो बिहारी जी के दर्शन आप वृंदावन में जब भी आते हैं, बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो वो कोई मूर्ति या श्री विग्रह नहीं है, वो साक्षात भगवान वहाँ पर खड़े हैं। राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप, जब राधा कृष्ण मिल जाते हैं तो श्री बिहारी जी महाराज के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री राधा वल्लभ के रूप में आते हैं। तो जितने भी आप पुराने मंदिर, हम आने वाले दिनों में हर एक के बारे में आपको बताएंगे, वहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है, वहाँ पर किसी ने कोई मूर्ति नहीं बनाई है, कोई श्री विग्रह नहीं बनाया है। तो बिहारी जी की बात करें, बिहारी जी को लेकर 2 कथाएं बहुत प्रचलित हैं प्राकट्य को लेकर बिहारी जी के। तो पहली कथा आपको सुनाते हैं कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो थे हमारे, जो कि ललिता सखी के अवतार थे, वो भजन करते थे। उनकी भजन स्थली ब्रज वृंदावन में काफ़ी जगह पर है, तटीय स्थान पर है, राधा टीला पर है, रसिक बिहारी में है, पर जो उनका पसंदीदा जो स्थली थी वो 2 थी। एक थी ये जमुना जी का किनारा, जहां हम आज बैठे हैं इस समय, और एक थी निधिवन कुंज, निधिवन जहां आज आप दर्शन करते हैं रंग महल के, जहां पे बोलते हैं कि भगवान स्वयं आते हैं, उनके दर्शन भी हम आपको अगली वीडियो में, अगले हफ्ते आपको निधिवन के दर्शन हम करवाएंगे। तो वहाँ पर हमारे स्वामी जी महाराज रहते थे, और वहीं पर हमारे बिहारी जी को प्रकट किया गया है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा। स्वामी जी महाराज के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। स्वामी जी महाराज हमारे ब्रज के रसिक शिरोमणि हैं। ब्रज में किसी भी संप्रदाय से कोई भी हो, मेरे ख्याल शायद ही ऐसा कोई ब्रजवासी होगा जिसके घर पर स्वामी जी महाराज की तस्वीर या श्री विग्रह ना हो। स्वामी जी महाराज के कारण ही आज ये वृंदावन धाम है, आज ब्रज के राजा श्री बिहारी जी महाराज हमारे बीच है। तो इसलिए
वो हमारे रसिकों के भक्तों के सर का ताज हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो बिहारी जी के बारे में मैं आपको बता रहा था, स्वामी जी भजन करते थे निधिवन में बैठकर और इतना मधुर गाते थे स्वामी जी महाराज कि स्वयं राधा कृष्ण उनकी गोद में आकर बैठते थे और उनका भजन सुनते थे और उनको बोलते थे कि आप हमारे लिए भजन करिए और हम आपके साथ रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं भजन। तानसेन और बैजू बावरा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। हमारे स्वामी जी महाराज तानसेन और बैजू बावरा के भी गुरु थे। तो आप हिसाब लगाइए, तानसेन के बारे में बोलते हैं कि पंच महाभूत पर तानसेन का जो कहते कंट्रोल था पूरा, वो गाता था तो दिए जल जाते थे, बारिश हो जाती थी। तो अब जो उनके भी गुरु हमारे स्वामी जी महाराज, वो कैसा गाते होंगे, साक्षात राधा कृष्ण गोलोक से उतर कर उनकी गोद में आकर बैठ जाते थे। तो एक दिन स्वामी जी महाराज गा रहे थे भजन, तो राधा रानी और कृष्ण ने, युगल सरकार ने उनसे प्रार्थना करी कि स्वामी जी महाराज हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं हमेशा, हम चाहते हैं आप हमारी सेवा करिए, आप हमें भजन सुनाइए, हमारे लिए भजन करिए, हमारी मतलब प्रॉपर जैसे सेवा भगवान की हम अपने घरों में करते हैं वैसे सेवा करिए। तो अब स्वामी जी महाराज ने कहा कन्हैया से कि हे ठाकुर जी, मैं ठहरा जंगलों में रहने वाला, ये वृंदावन आज से जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ ये 500 साल पहले की कथा है। तो आज से 500 वर्ष पहले ये वृंदावन धाम जो था ये सारा जंगल था, यहाँ पर इतना कुछ भी नहीं होता था। ये जमुना जी जो आज इतनी दूर आ गई है, पहले बहुत नज़दीक होती थी निधिवन के बिहारी जी के, तो पहले हिसाब किताब कुछ और होता था वृंदावन का। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिहारी जी, मैं जंगलों में रहने वाला, मैं तो तन पे कपड़ा भी धारण नहीं करता हूँ, सिर्फ़ एक लंगोट धारण करता हूँ, मैं आपको तो रख लूँगा, फिर भी मैं दो रोटी खुद जो खाता हूँ। स्वामी जी का नियम था कि तीन मुट्ठी चना मांग के खाते थे स्वामी जी महाराज, ऐसा भाव था स्वामी जी का। तो स्वामी जी ने कहा कि बिहारी जी, मैं तीन मुट्ठी चना मांग के खाता हूँ, मैं आपको तो वो खिला दूंगा, परंतु राधा रानी तो स्वयं महारानी है, उनको 16 श्रृंगार लगता है, वो इतनी कोमल हैं, उनको मैं ज़मीन पर जंगलों में मैं कैसे रखूँ, उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरे पास मैं आपकी सेवा तो कर सकता हूँ पर उनकी नहीं कर पाऊँगा मैं। तो जब हमारे राधा कृष्ण ने ये सुना तो उन्होंने वहाँ से मतलब कुछ बोले नहीं, वो मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो गए। स्वामी जी महाराज भजन के लिए फिर बैठे निधिवन में, और ज्यों ही स्वामी जी महाराज भजन के लिए बैठे तो ज़मीन के नीचे से श्री राधा कृष्ण एक स्वरूप होकर बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए। बिहारी जी का जयकारा आप राधे राधे और कुंज बिहारी श्री हरिदास कमेंट्स में लिखते रहिए। तो वो स्थली के दर्शन हम आपको अगली वीडियो में, इसके अगले पार्ट में कराएंगे। तो एक जो लीला है बिहारी जी की मतलब प्राकट्य को लेकर, वो ये धारणा एक है जो बहुत कॉमन है, लोगों को पता है, परंतु एक जो मंदिर की तरफ से आती है और जो निधिवन की तरफ से आती है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो ब्रजवासियों को पता है, बाहर के लोगों को ज़्यादा उस बारे में नहीं पता है। तो स्वामी जी महाराज थे, स्वामी जी महाराज के साथ उनके प्रिय शिष्य भी रहते थे, सब जितने थे उनमें से सबसे प्रिय जो थे उनके वो थे विट्ठल विपुल देव जी। तो स्वामी जी महाराज भ्रमण करते थे। अब जैसे संतों का स्वभाव, हमारे ब्रज के संतों का स्वभाव होता है भ्रमण करना, आजकल तो माहौल काफ़ी बदल गया है, परंतु पहले ब्रज वृंदावन कुछ और होता था। तो इसलिए स्वामी जी महाराज सुबह सुबह भ्रमण पर निकलते थे कुंजों में, और एक कुंज ऐसी थी जहाँ पर स्वामी जी महाराज नित्य दंडवत करते थे। तो सारे शिष्य जब ये देखते थे तो उनको बड़ी हैरानी होती थी कि इस कुंज में ऐसा क्या है, स्वामी जी महाराज यहाँ झुक जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं। बाकी कुंजें भी हैं वृंदावन में, वहाँ स्वामी जी महाराज केवल प्रणाम करते हैं, यहाँ दंडवत क्यों? परंतु किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने गुरु से, स्वामी जी महाराज से वो सवाल करें। तो विट्ठल विपुल देव जी जो उनके प्रिय शिष्य थे, स्वामी जी को बहुत प्रिय थे विट्ठल विपुल देव जी, तो उनको बाकी सब शिष्यों ने बोला, कहते कि विट्ठल विपुल देव जी आप प्रश्न करिए हमारी तरफ से स्वामी जी से, कि स्वामी जी आपको तो डांटेंगे नहीं या आपके प्रश्न का तो वो इतराज़ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए विट्ठल विपुल देव जी ने स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया कि स्वामी जी इस कुंज में ऐसा खास क्या है कि रोज़ आप इसी कुंज में दंडवत करते हैं, हमें बताइए, अगर वहाँ पे कुछ खास है तो हम भी वहाँ दंडवत करेंगे। तो
स्वामी जी ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोल दिया कि मैं तुम्हें इसका जवाब सही समय आने पर दूंगा। दो तीन महीने गए, दो तीन महीने बीते तो स्वामी जी ने एक दिन सुबह विठल विपुल देव जी को अपने पास बुलाया। पास बुलाया तो अब आप स्वभाव सुनिएगा कि कैसा स्वभाव भजन में होना चाहिए। विठल विपुल देव जी को बुलाया स्वामी जी ने और उनको पूछा, स्वामी जी बड़े खुश। तो विठल विपुल देव जी को पूछा, कहते कि आज तुम्हें पता है क्या है? तो विठल विपुल देव जी इतना भजन में लीन रहते थे कि उनको ये भी याद नहीं था कि आज क्या है। एक मैं छोटी सी इसमें इंटरप्शन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप धाम में आए तो ये फालतू की हरकतें प्लीज़ मत करें। ये डीजे गाने और ये भोजपुरी बॉलीवुड जो भी है ये सब प्लीज़ धाम में मत लगाएं। ऊपर से आप जमुना जी में अगर नौका विहार कर रहे हैं, ये सब धाम की मर्यादा को मतलब उल्लंघना है, धाम की मर्यादा की। तो आप प्लीज़ आप भक्ति करने आते हैं, आप भक्ति करें, और अगर कोई करता है तो उन्हें प्लीज़ रोकें। तो ये सब फालतू हरकतें हैं, और अगर किसी को मेरा बोलना बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ये मैं ऐसे ही बोलूँगा। ये फालतू हरकतें आप खुद देखिए, एक वाइब है, एक भक्ति का एक रस है। ब्रजमंडल यहाँ स्वयं राधा कृष्ण खेले हैं, इस जमुना जी में, इन जमुना जी में स्वयं त्रिलोकी नाथ गोलोकनाथ जो कृष्ण हैं वो स्वयं इनमें स्नान करते थे। आप यहाँ पे डीजे चला रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? तो एक ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी को बुरा लगा हो, मैंने अगर जो भी बोला कुछ गलत बोला हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब वापस कथा पे आते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने विठल विपुल देव जी से पूछा कि तुम्हें पता है आज क्या है? तो विठल विपुल देव जी ने कहा, स्वामी जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे नहीं पता आज क्या है, आप बता दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो आप देखिए, वो भजन में इतना लीन रहते थे, उन्हें खुद का जन्मदिन तक याद नहीं है। ऐसा भजन जब हो तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं आज भी। तो जब विठल विपुल देव जी ने ये सुना तो स्वामी वो भी खुश हो गए, स्वामी जी तो थे ही खुश। स्वामी जी ने उनको बोला, कहते कि आज मांगो, क्या मांगते हो? आज मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा। अब स्वामी जी को अंदर ही अंदर पता था कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि विठल स्वामी जी है तो ललिता सखी के ही अवतार और विठल विपुल देव जी शिष्य है, तो गुरु को अपने शिष्य का तो पता ही है। विठल विपुल देव जी ने वही सेम सवाल किया, स्वामी जी आज बता दीजिए उस कुंज में ऐसा क्या है, हम सभी जानना चाहते हैं। तो जब स्वामी जी ने ये सुना तो स्वामी जी मुस्कुरा उठे और बोले कि ऐसा करो, तुम स्वयं उस कुंज में जाओ और जाकर देख लो आज क्या है, आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आज तुम खुद देखोगे, और जाओगे तो प्रसादी लेकर आना। तो जब विठल विपुल देव जी ने ये सुना तो अब आज्ञा का पालन करते हुए विठल विपुल देव जी गए कुंज के अंदर। जमुना जी डोल रही हैं, नाव भी साथ साथ जमुना जी के लहरों के। तो विठल विपुल देव जी कुंज के अंदर गए, तो कुंज के अंदर जब विठल विपुल देव जी गए तो क्या देखते हैं कि रास मंडल सजा हुआ है, अष्ट सखियाँ विराजमान हैं, बीच में युगल सरकार स्वयं राधा कृष्ण साक्षात विराजमान हैं, और अष्ट सखियों में जो प्रथम स्थान ललिता सखी का होता है, वहाँ पर ललिता सखी के स्थान पर स्वयं स्वामी जी महाराज पान की बीड़ा की थाल लेकर खड़े हैं। मतलब पान की जो बीड़ा जिसको बोलते हैं ना, हमारे ब्रज में पान की बीड़ा बोलते हैं, जो पान हम बनाते हैं, तो पान की बीड़ा की थाल लेकर खड़े हैं स्वामी जी महाराज ललिता सखी के अवतार पर, और कृष्ण ने साक्षात उन्हें बोल रहे हैं कि हे ललिते मुझे पान खिला दो। तो जब विठल विपुल देव जी ने ये देखा तो भाव विभोर हो गए और घबरा गए और बाहर आए दौड़े 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 बाहर आए तो देखते हैं स्वामी जी महाराज शिष्यों के बीच में बैठे हैं। विठल विपुल देव जी का सर घूम गया है कि ये हुआ क्या। वो फिर अंदर गए, स्वामी जी ने कहा कि जाके प्रसादी लेकर आओ। तो विठल विपुल देव जी फिर अंदर गए, विठल विपुल देव जी ने अंदर जाकर स्वामी जी महाराज से ये रिक्वेस्ट करी, ये विनती करी कि हे स्वामी जी, आप तो नित्य अपने ठाकुर ठकुराइन के दर्शन पाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आगे कलयुग आ रहा है, कुछ ऐसा करिए कि आगे आने वाले जो लोग हैं उनको भी इनके दर्शन मिल सके, क्योंकि आगे पाप बढ़ेगा तो दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे प्रभु के। तो ऐसा कुछ करिए कि हम भी इनकी सेवा कर सकें, हमें भी दर्शन मिलें, और आने वाले लोगों को जो धाम में आए आगे आने वाले उनको भी दर्शन मिलें। तो स्वामी जी ने ऐसा सुनते ही रिक्वेस्ट करी, विनती करी प्रिया प्रियतम से, और वो एक स्वरूप श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हुए, और स्वामी जी ने क्या किया, उनको उठाकर
श्री विट्ठल विपुल देव जी की गोद में डाल दिया। इस तरीके से हमारे श्री बिहारी जी महाराज, आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो ये बिहारी जी हैं साक्षात जो अभी विराजमान हैं मंदिर में, तो ये इस तरीके से प्रकट हुए थे हमारे बिहारी जी महाराज। ये जो सेकंड वाली जो मैंने कथा सुनाई आपको, ये लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, और जिनको पता है वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इधर उधर कर देते हैं ये, क्योंकि ये रियल, इसको ऐसा बोला जाता है, मंदिर से ये कथा सुनने को हमें मिलती है बिहारी जी के निधिवन से ये, और ब्रजवासियों को भी यही पता है। जो दूसरी वाली है वो प्रचलित है, लोगों को ज़्यादा वो पता है, और वो भी है सही, स्वामी जी की गोद में स्वयं प्रिया प्रियतम भजन सुनने आते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आपको हमने दोनों बता दिए जो हमें पता था, आपको जो सही लगे आप उसे मानिए, हम तो दोनों को ही मानते हैं, हम तो कहते हैं हमारे ठाकुर जी की लीला है, हमारे बिहारी जी की लीला है, स्वामी जी महाराज की हमारे लीला है, जो वो कहेंगे हम मानते हैं जी। तो यहीं इसी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट, एक सीक्रेट की बात, बोनस पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये, श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का असली नाम क्या है, जो स्वामी जी महाराज ने नाम रखा था ठाकुर जी का। पहले तो जब ठाकुर जी आए, विट्ठल विपुल देव जी कुंज से बाहर लेकर आए ठाकुर जी को, तो उत्सव हुआ ब्रज में, पूरे ब्रज मंडल में, ब्रज की कली कली खिल उठी, बरसात, वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा होने लगी, इतना उत्साह, उमंग, स्वयं बिहारी जी प्रकट हुए हैं। तो मतलब ये एक वाइब है, आप यहाँ आकर इसे फील करेंगे ना, तो आप भी वो चीज़, आप के अंदर वो चीज़ आप फील कर पाएंगे अगर आप ये चीज़ यहाँ आकर सुनेंगे। तो इतना उत्साह, स्वामी जी महाराज पहले 7 दिन तो बिहारी जी को निहारते रहे कि बिहारी जी प्रकट हुए हैं। जैसे कोई शिशु, जो बालक हमारे घर में जब पैदा होता है, तो पहले कुछ दिन तो हम उसे देखते ही रहते हैं कि कितना प्यारा है, क्या। तो स्वामी जी महाराज भी देखते ही रहे 7 दिन 7 रात बिहारी जी को। तो जब स्वामी जी महाराज भाव में से बाहर आए, तो शिष्यों ने कहा, रसिक संतों ने कहा कि स्वामी जी ये प्रकट तो हो गए, अब इनका कुछ नाम नहीं रखना है। तो स्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, वो आपको बताऊँगा मैं। स्वामी जी ने कहा कि कुंजों में प्रकट हुए हैं, कुंजों की हम पर कृपा हुई है। स्वामी जी ने कहा प्रिया प्रियतम की युगल सरकार की हम पर कृपा नहीं, हम पर वृंदावन की कुंजों की कृपा है। तो कुंजों में प्रकट भए, कुंजों की कृपा थे, कुंज बिहारी नाम इनका, कुंजों में विहार करते हैं, क्योंकि कुंजों में विहार करते हैं तो कुंज बिहारी। आप देखिए, कुंज है निधिवन, जो वो कुंज थी जहाँ दंडवत करते थे स्वामी जी महाराज, जहाँ से विट्ठल विपुल देव जी लेकर आए, वो निधिवन ही है जहाँ आप आज दर्शन करते हैं रंग महल के, जहाँ भगवान आज भी स्वयं आते हैं। तो इसलिए कुंजों में प्रकट हुए, कुंजों की कृपा से कुंजों में विहार करते हैं, तो बिहारी जी का जो असली नाम है वो कुंज बिहारी है। इसीलिए हम बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, हम बांके बिहारी नहीं बोलते हैं। बांके बिहारी नाम बाद में हो गया है, पहले नाम कुंज बिहारी है। बांके बिहारी नाम कैसे पड़ा, ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, इसकी कथा भी फिर आपको बताएंगे, और बिहारी जी के मंदिर से ही लाएंगे ये कथा आपके लिए गुसाई जी के साथ। तो अगर आपको चाहिए कमेंट्स में इसके बारे में लिखिए। वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब कुछ नहीं बोल सकता मैं बस इतना बोल सकता हूँ, कोई ऐसा करे तो उसको रोकिए, और ऐसी फालतू की उलझुल हरकतें मत करें, धाम में आके धाम की मर्यादा का पालन करें, प्लीज़ भजन करें। यहाँ पर ये भजन स्थली है, ये इसकी बहुत वैल्यू है, लोगों ने वृंदावन को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। आप समझिए, आप थोड़ा ब्रज भाव से अगर समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, ये कोई आम जगह नहीं है, ये स्वयं गोलोक का हिस्सा है धरती पर। ये आज भी भगवान नित्य इस भूमि पर विहार करते हैं, आज भी भगवान नित्य इन जमुना जी में स्नान करते हैं राधा रानी के साथ। तो यहाँ पर अगर आप भजन नहीं करेंगे और ऐसी सब हरकतें करेंगे तो फिर क्या ही बोलूँ मैं, अपराध तो फिर भगवान मालिक, उसके मालिक बिहारी जी है, उनके लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और सबको बताएं कि सच में बिहारी जी प्रकट कैसे हुए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते, फूड व्लॉग्स आएंगे अब हफ्ते में 2 बार, मतलब अब आएगा एक
आज ये वीडियो आई है, अब परसों आएगा और डे आफ्टर परसों तो फूड व्लॉग्स आएंगे। आगरा फूड सीरीज हमारी चल रही है, लिंक्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपसे लेता हूँ बड़े ही स्टाइलिश वे में विदा, तब तक के लिए श्रीकुंज विहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।